नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में देखिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज सामने आई है। बांग्लादेश ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि 15 अगस्त को इनके देश में कोई नेशनल हॉलीडे भी नहीं रहेगी। नाउ अगर आप इंडिया के आसपास जो ये दो देश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों को देखें, तो पाकिस्तान ने आज से कई दशकों पहले एक बड़ा ब्लंडर ये किया था। इन्होंने अपनी खुद की हिस्ट्री, अपने इतिहास का खून कर दिया था। इस टॉपिक पर एक बहुत ही सुंदर किताब भी है, के अजीज साहब की बहुत ही फेमस बुक है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। कभी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, मगर पाकिस्तान ने किस तरीके से खुद की हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करके एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कंट्री बनने का रास्ता कैसे तय किया, ये बता रखा है इस किताब में। नाउ बांग्लादेश भी लग रहा है कि उस रास्ते पर निकल पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से भारत में मानते हैं कि फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, जो मेजॉरिटी है, जो कंसेंसस है, वो मानती है द फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उसी तरीके से बांग्लादेश में द फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। क्योंकि जब पाकिस्तान की सरकार, देखिए एक टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश हुआ करते थे, और यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे बंगालीज के अगेंस्ट, और इसी डिस्क्रिमिनेशन, इसी भेदभाव के अगेंस्ट आवाज़ एक आदमी ने उठाई थी, वो थे मुजीबुर रहमान। आप कह सकते हैं इन्हीं की आइडियोलॉजी थी, इन्हीं की सोच थी जिसके अंडर बांग्लादेश एक अलग कंट्री उभर के सामने आया। मगर सैड बात ये देखिए कि शेख मुजीबुर रहमान के अंडर बांग्लादेश एक कंट्री बन तो गया, मगर ये लंबे समय तक इस कंट्री को चला नहीं पाए। 1975 में ही शेख मुजीबुर रहमान को इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने एक तख्ता पलट करने के दौरान मार दिया। जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे अपने ये घर में, अचानक से मिलिट्री का आदमी आता है और इनको गोलियां मार देता है। और जिन सीढ़ियों पे ये मरे थे ना, वो आज के समय बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से रखी जाती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वो सीढ़ियाँ जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। यहाँ पे जॉन कैरी खड़े हैं, USA के एक टाइम पर बहुत ही बड़े अम्बेसडर थे, आज के समय रिटायर हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचूज बनाए गए थे, जो उनके नाम पर वेरियस बिल्डिंग्स के नाम रखे गए थे, वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड था, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का नाम याद दिलाता है बांग्लादेशीज को कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया था जब वो रूल करते थे बांग्लादेश को। मगर जैसे ही बांग्लादेश में रिसेंटली तख्तापलट हुआ है, हमने ये देखा है कि शेख मुजीबुर रहमान के जो भी स्टैचूज थे, आई मीन ना सिर्फ स्टैचूज, अजीब बात मैं ये देख रहा हूँ कि किसी मान लो बिल्डिंग में उनकी पोर्ट्रेट भी बना रखी है ना इस तरीके से, तो बुलडोजर से उसको खुरेदा जा रहा है। ऑलमोस्ट कोशिश की जा रही है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो अस्तित्व है कि ये आदमी एग्जिस्ट भी करता था, ये बांग्लादेशी इसकी मेमोरी से कम्प्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है आज के समय शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी से रिलेटेड, ये तो देखिए दंगाई लोग कर रहे हैं, अराजक तत्व हैं, इनके हाथ में पावर लग गई है, ये सब कर रहे हैं। मगर हाल ही में जो बांग्लादेश की इंटरिम सरकार है, इन्होंने भी एक ऐसा फैसला लिया है जिससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश में जो किया जा रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में भी मर्डर ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, हिस्ट्री को मारा जा रहा है सरेआम, इसमें देखिए बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस समेत जो बाकी लोग हैं ये भी शामिल हैं। क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने 15 अगस्त का जो एक नेशनल हॉलीडे था, जो एक मॉर्निंग हॉलीडे था, ये भी कैंसिल करने का फैसला किया है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, सिंस 1975 इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों में नेशनल हॉलीडे होता था 15 अगस्त को। रीजन अलग थे, हमको इस दिन मिली थी आज़ादी, बांग्लादेश ऑब्जर्व करता था ये दिन एज द डे शेख मुजीबुर रहमान वॉज असासिनेटेड। तो अब देखिए ये जो 15 अगस्त का मॉर्निंग का है ना ये दिन, ये भी रिमूव करने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि जो भी बांग्लादेश में किया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, और इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा बांग्लादेश को पीछे ले जाया जा रहा है। जो सारी मेमोरी थी 1971 वॉर की, जो भी पाकिस्तान ने किया, फिर मुजीबुर रहमान वगैरह, सब कुछ इरेज करके ऑलमोस्ट आप कह लो एक नए टाइप का बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। और वैसे देखिए शेख हसीना जो आज के समय भारत में है,
इन्होंने सभी बांग्लादेश के लोगों को ये कहा है कि आप लोग बिल्कुल 15 अगस्त को ऑब्जर्व करिए एज नेशनल मॉर्निंग डे, चाहे सरकार ने छुट्टी कैंसिल कर दी है, आप लोग शेख मुजीबुर रहमान को मत भूलिएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि अब इनकी जो बात है ये बांग्लादेश के मीडिया तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, ये कुछ क्लियर नहीं है। क्या वहाँ का मीडिया शेख हसीना का ये जो मैसेज है इनके लोगों तक पहुँचा पाएगा, इनके मैसेज का कुछ इम्पैक्ट होगा भी या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर पता है क्या है, US और कनाडा ये दोनों देश शेख मुजीबुर रहमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आप इसके बारे में खुद सर्च करिएगा, CIA US CIA रोल इन मुजीबुर रहमान असासिनेशन, इस पर दर्जनों आर्टिकल्स हैं, दर्जनों रिपोर्ट्स हैं कि CIA ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था मुजीबुर रहमान को मारने में। और इससे भी ज़रा अजीब बात देखो ये है कि जब मुजीबुर रहमान को मार दिया आर्मी के लोगों ने ही, जब शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, उसके बाद जो ये आर्मी के लोग हैं ये भाग गए थे US कनाडा में। और बांग्लादेश आज भी कोशिश कर रहा था, अब तो खैर कोशिश नहीं करेगा, जब तक शेख हसीना थी तब तक कोशिश कर रहा था कि मुजीबुर रहमान के जो किलर्स हैं जो US कनाडा में हैं इनको वापस बांग्लादेश में लाया जाए। तो देखो बहुत ज़रा अजीब बात है, US ऑब्वियसली कह तो रहा है कि उनका कोई रिलेशन नहीं है, कि बांग्लादेश में जो भी हुआ है ये बस ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, अपने आप ही हो गया है। बट आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, बहुत अजीब लगेगा, आपको खुद ही लगेगा कि दिस इज़ सो वियर्ड कि ये सब हो गया है। और सैड बात पता है क्या है, बांग्लादेश की 99% आबादी को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ज़रातार लोग इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके सामने बस 2-3 महीने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप रख दो, उसी के हिसाब से उनका जो पर्सपेक्टिव है ये बन जाता है। और मुझे याद है कुछ ही महीने पहले 2023 नवंबर महीने में ना बांग्लादेश ने भारत से हेल्प मांगी थी कि देखिए शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ आर नेशन, जिन लोगों ने इन्हें मारा था ना वो US कनाडा में हैं, इनकी सरकारें US कनाडा की सरकारें इनको बचा कर रख रही हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हम इन्हें वापस लाना चाहते हैं बांग्लादेश में ताकि जस्टिस हो पाए। मगर कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया भी ज़रा कुछ कर नहीं पाया। हालांकि मैं ये कहूँगा बांग्लादेश ने ओपनली कनाडा को ये कहा था कि कनाडा वो देश है जो मर्डरर्स को छुपा के रखता है। तो अब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदलने वाला है बांग्लादेश में। अब जो ये नई सरकार आने वाली है, ये मान लो चल गई 10 साल, तो ये सब आप मान लो सब पे आप एक पेंट ये चढ़ा दिया जाएगा, बांग्लादेश की मेमोरीज इरेज कर दी जाएगी, शेख मुजीबुर रहमान थे भी कौन ये भी बहुत कम लोगों को पता लगेगा, एंड दिस इज ओवरऑल ए मर्डर ऑफ हिस्ट्री। और मैं पर्सनली देखिए अपनी छोटी सी वीडियो से इस मर्डर को डॉक्यूमेंट ही कर सकता हूँ, उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली वी कांट रीली डू एनीथिंग। फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, भारत ने हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है किस देश के साथ, इस एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति, बताइए किस देश के साथ हो रही है ये एक्सरसाइज, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या फिर वियतनाम, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए 15 अगस्त को स्टडी IQ हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है, शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को, तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15% से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज़ बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी IQ। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी IQ का UPSC कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000, 48,000 पे करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा, ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपये रह जाएगा, सिर्फ 25,000 रुपये में आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती, स्टडी IQ आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स, के आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ UPSC एग्ज़ाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। और स्टडी IQ यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है UPSC का, ये 25,000 रुपये भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच
प्रतिज्ञा लीजिए टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे. इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज. इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. आज की वीडियो सुनकर जो है ना यही लग रहा है जो भाई हमारे साथ हुआ है वो शायद अब जो है बांग्लादेश के साथ जो है वो होने जा रहा है. हाँ। और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो वाइप आउट जो है वो कर दिया जाएगा हिस्ट्री में से. जो कि मेरा ख्याल है कि भाई जब आप हिस्ट्री को तोड़ते हैं मरोड़ते हैं उसमें से चीज़ें जो है वो निकाल के आधी अधूरी कोई भी चीज़ हिस्ट्री के साथ साथ और भी कोई चीज़ हो जब वो आधी दूरी जो है वो पहुँचती है ना इंसानों तक तो फिर उसका जो है ना वो एक अंजाम जो होता है वो ख़तरनाक होता है. क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चीज़ जो है वो देखी है कि आपको आधी दूरी हिस्ट्री का पता चलता है या कोई वाकया होता है उसका भी जब आधा अधूरा जो है पता चलता है तो वो भाई वो भी एक ख़तरनाक रूप जो है वो धार लेता है. बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये अभी जो टाइम चल रहा है सीरियसली मैं जैसे वीडियो देख रही थी बैक ऑफ माई माइंड यही चीज़ें चल रही थी कि पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं और जो हुआ होगा पास्ट में वो यही सब चीज़ें हुई होंगी. और मैं कहूँगी कि इस टाइम पर अगर लोग समझदार हों तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को बांग्लादेश से और बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के लोगों से सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिल सकता है. और वो इस तरह से कि पाकिस्तान के लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि हिस्ट्री को किस तरीके से वाइप आउट किया जाता है और किस तरीके से एक नेशन जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की जाती है. और बांग्लादेश को ये सीखना चाहिए कि अगर हिस्ट्री जो है वो चेंज कर दी जाए, तोड़ मरोड़ दी जाए, तो किस तरह के लोग जो हैं वो निकल कर सामने आते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट है वो उनके सामने प्रैक्टिकल एग्जांपल है. तो मुझे लगता है कि ये टाइम अभी दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब एक समझने का है पास्ट से अगर किसी ने सीख लिया. क्योंकि मैं ये बात सोचती हूँ कि चलो उस टाइम पर मान लिया कि जो वहाँ उस टाइम के लोग थे उनके पास इतना ज़्यादा मीडियम नहीं थे कि भाई वो कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं कि आप डिफरेंट मीडियम से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी गेम जो है वो मुझे लग रही है कि लाइक जिस तरीके से बांग्लादेश में चीज़ें हो रही हैं एक एक करके, ये मतलब छोटी गेम नहीं है. क्योंकि बांग्लादेश के जो दोस्त हैं उनको आप कह लो कि जहां तक मुझे समझ आ रहा है चेंज किया जा रहा है बांग्लादेश यार. ये तो आने वाले एक दो सालों में जो है ना इस चीजों का खुलासा होगा और सही जो है पता चलेगा कि ऊंट जो है वो किस करवट जो है वो जाकर बैठती है. अपेरेंटली ये चीजें जो है वो नजर आ रही है, मतलब अपेरेंटली मैं बात कर रही हूँ. आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो डेफिनेटली वो टाइम ही डिसाइड करेगा, बट फिलहाल जो चीज़ें आपको फील हो रही हैं वो तो मैं यही इसी डायरेक्शन में मुझे आती हुई नज़र आ रही है. बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक दो साल जो है वो इन चीज़ों को समझने में, इनके जो एक नतीजे हैं जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आने में जो है वो लग जाएंगे. अच्छा, मुझे आज क्योंकि हिस्ट्री फिर वही बात है कि इतनी पता नहीं होती, तो आज मुझे पता चला कि भाई 15 अगस्त को जो है वो जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी जो है डेथ एनिवर्सरी जो है वो भी जो है ऑब्जर्व जो है वो की जाती है. लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं लगती यार, हमेशा जो है जब हम इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, आपको कहीं ना कहीं उसमें जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं. अभी जैसे US कैनेडा के बीच में जो है वो बात की गई, तो भाई कर कुर के सारे कांड जो हैं सारे उधर ही भागते हैं. लेकिन तुम ये भी तो और देखो वो ना, शरण भी देता है ऑब्वियसली, वो करेगा ना जब वो अपने काम करवा रहा है. बट आई थिंक इसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो तो अपने ही होते हैं ना, जो चीज़ों को इस तरीके से कर रहे होते हैं. बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हम लोग बांग्लादेश के बारे में आजकल वीडियोस तो देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि बांग्लादेश के लोग होते हैं और वो ये बात कर रहे होते हैं कि नहीं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही और बहुत एक डिफरेंट तरीके से जो चीज़ें हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं. बट मैं ये बात सोचती हूँ कि फिर जो वीडियोज़ सामने आ रही हैं अभी, जैसे जो हम लोगों ने वीडियो देखी है, मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया जो है वो एक कंट्री के अगेंस्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर लोग आपको समझा रहे होते हैं ना, इंसान उस टाइम पर समझता नहीं है, उस एंगल से वो देखना ही नहीं चाहता कि भाई हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्योंकि जिस तरीके से स्क्रैच की जा रही थी उनकी पोर्ट्रेट, मतलब ये इंतहाई गलत है. क्योंकि मैं ये बात बोलूँगी कि ठीक है, आपको अगर जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम थी अब वो उस कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ, अब अगला कोई बंदा आएगा, लेकिन जो पिछले लोग हैं जिन्होंने कंट्री के लिए सर्व किया है, मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी जो आप कह लो कि जो खिदमात हैं
या जो उन्होंने कंट्री के लिए किया है उस चीज को वाइप आउट करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये चीजें करते हो इसका ये साफ मतलब होता है कि भाई आप टोटली एक डिफरेंट नेशन जो है वो तैयार करना चाहते हैं। मुझे जो है ना ये चीज रियलाइज हुई है, क्योंकि इससे पहले मैंने देखा स्टैचूज भी जो है उनके जो है वो हटाए गए हैं जहाँ पर लगे हुए थे, तो मुझे ये चीज रहा है जो शेख हसीना जो है वो जो मुल्क छोड़कर जो है वो चली गई हैं, तो एक तरह का उनसे जो है एज ए रिवेंज के तौर पर जो है ना ये सब कुछ किया जा रहा है। बट ये चीजें गलत है, गलत है। रिवेंज अगर यार सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है, एक रिवेंज वाली सियासत जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलती है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, जब ये लास्ट टाइम इंसिडेंट हुआ है ना बांग्लादेश में, मुझे पाकिस्तान और इंडिया सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। लाइक वो लोग जो के अटैक कर रहे थे, अब कारण नो डाउट कुछ और था उनका, स्टूडेंट्स की जो भी मांग थी मैं उसको बीच में मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही, लेकिन जो तोड़ फोड़ का अमल है उस बात को लेकर, मतलब एक ही जगह पर आप ये देखो कि अटैक करके जिस जिस तरीके से जो चीजें हैं वो लेकर जाएंगे, हाँ मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि लोगों को अपना जो रवैया है ना उसमें बेहतरी लाने की, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखें वहां पर भी मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स होती है, वहां पर भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पर भी तोड़फोड़ भी होती है, बहुत कुछ होता है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल का हम लोगों को देखने का मिलता है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साउथ एशिया का जो रीजन है वो ये कभी भी स्टेबल तो रहा नहीं है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी कंट्री में होता रहता है, और इसी वजह से जो बाकी सारे कंट्रीज हैं वो फायदा भी उठाते हैं। मतलब वेस्ट की अगर हम बात करें वो फायदा उठाते हैं, और अगर हम यहाँ की कंट्रीज की बात करें तो वो उतनी डेवलपमेंट उनमें आपको नहीं नजर आती जितनी उनमें पोटेंशियल है। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसका सोल्यूशन है कि किस तरीके से यहाँ की जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकते हैं? जरूर दीजिएगा अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। बाय।